श्रुति बात करो। श्रुति तुम्हें अकेले में बात करनी है? श्रुति मुझे तुम्हारे जनरल फिजिशियन ने रेफर करा है। उसके हिसाब से जो तुम्हारा प्रॉब्लम है ये किसी फिजिकल रीजन की वजह से नहीं है और इसका इलाज है श्रुति। तुम्हारे डॉक्टर के हिसाब से तुम्हें तुम्हारे सपने में कोई इंसान नजर आता है जो दरवाजे पे खड़ा हो। तुम्हारे हस्बैंड ने भी यही बताया कि तुम अक्सर नींद में उठ जाती हो चिल्लाते हुए उस आदमी की वजह से जो दरवाजे पे आके खड़ा हो जाता है और ये रियल में है। वो रियल है, वो सच में है, वो सच में है। वो कौन है मुश्रुति, कैसा दिखता है? अगर तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूंगी? मीटर रीडिंग, गैस की मीटर रीडिंग लेनी है। अच्छा आइए। लता पाल को दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। जाहिर है कि लता पाल को भनक तक नहीं थी कि वो किसके लिए घर का दरवाजा खोल रही है। क्या हुआ तुम्हें लता? लता उठो ना, लता कुछ बोलो ना, लता क्या हुआ तुम्हें? लता लता उठो ना। सर दरवाजा पहले से खुला हुआ था, मैं रोज की तरह शाम को 5:45 घर वापस आया था। जयशंकर, घर के दरवाजे पर जोर जबरदस्ती का कोई निशान नहीं, क्या आज कोई आपके घर आने वाला था जिसके लिए आपकी पत्नी लता ने खुद दरवाजा खोला हो? नहीं सर, मुझे नहीं पता अगर कोई आने भी वाला था, लेकिन सर अगर कोई आया भी होगा तो वो लता के साथ ऐसा क्यों करेगा? आज आपकी आपकी पत्नी लता के साथ आखिरी बार बात कब हुई थी? सुबह जब मैं दफ्तर के लिए निकल रहा था, ये 9 या 9:30 बजे के आसपास। सर कबर्ड को तो छुआ तक नहीं गया, लता के सोने के कंगन और कानों के झुमके ज्यों के त्यों रखे हुए, तो चोरी का इरादा तो मालूम नहीं होता, किसी जान पहचान वाले का काम है। पर कौन जान पहचान वाला, कौन आने वाला था, किसने किया ऐसा? जयशंकर इधर आइए, यहाँ पहले कुछ सामान रखा हुआ था जिसे हटाया गया,
सर ये देख रहे हैं निशान, आपने आपकी पत्नी ने यहां से कुछ सामान हटाया है। यह एक फूलदान था। फूलदान? जी सर, मेरी बीवी सालों पहले किसी मेले से उठा लाई थी, बहुत सस्ता था सर। सर हो सकता है विक्टिम के साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ हो। हाँ जगन, हम यहाँ एक अजीब और गरीब क्राइम सीन पर हैं। तुम्हारे यहाँ क्या सीन है? सर मेरा क्राइम सीन भी कुछ कम अजीब नहीं है सर। सर विक्टिम 30 साल की महिला है और इसका गला घोटकर मारा गया है। घर में कहीं भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। व्हाट? चेन से गला घोटा गया है? हाँ सर। यहाँ भी यही हाल है जगन। क्या? सर वहां से कुछ गायब हुआ है क्या? हाँ एक फूलदान गायब है। क्यों? वहां से भी कुछ गायब है? सर एक मोर, सजावट की आइटम है सर, वो गायब है। ये जगह खाली लग रही है, यहाँ पर कुछ था क्या? हाँ हाँ सर, यहाँ पे मोर था। जगन इसके लिए तुम्हें कॉल कितने बजे आया था? 5:15 के आसपास आया था सर। विक्टिम के हस्बैंड ने ही कॉल किया था, राम यादव नाम है उसका। सर वो यहाँ पर एक बाइक स्टोर में मैनेजर का काम करता है। वो और उसकी वाइफ आज शाम को मूवी देखने जाने वाले थे, इसलिए वो घर जल्दी आया था। ये दरवाजा क्यों खुला छोड़ दिया? विमला उठो, मुझसे बात करो विमला, क्या हो गया तुम्हें? सर इस घर से फूलदान और उस घर से सजावट का मोर, सजावट की चीजें ले जा रहा है कातिल, किसी किस्म का सनकी मालूम होता है। पुलिस के लिए 5 जून की उस रात की सुबह नहीं, लता पाल और विमला यादव की भयंकर हत्याओं की खबर सारे गाजियाबाद शहर को खौफ की जंजीरों में जकड़ने वाली। एक अनजान सनकी कातिल खुला घूम रहा था। ये दोनों मर्डर साधारण नहीं थे, ना तो ये हत्याओं की शुरुआत थी और ना ही अंत। और पुलिस के जो सामने था वो काफी कुछ कह तो रहा था, पर हकीकत की दिल्ली अभी बहुत ज्यादा दूर थी। दोनों केसेस की मोडस ऑपरेंडी सेम रही है प्रशांत। ये लता पाल चेन से गला घोटा गया, ये विमला यादव इसका भी गला चेन से घोटा गया। दोनों औरतों की हत्याओं के बाद लाश के साथ संभोग हुआ है, पर सीमेन के ट्रेसेस नहीं है। लाशों के साथ संभोग, शुमिन नेक्रोफिलिया। हाँ नेक्रोफिलिया। नेक्रोफिलिया लाशों के प्रति लैंगिक रूप से आकर्षित होना, उनके साथ सेक्स करने के अवसर ढूंढना या उन्हें तैयार करना कत्ल के जरिए, ये एक मानसिक विकृति है। पर सेमन के ट्रेसेस कैसे नहीं मिले? ऐसी मानसिक विकृति का आदमी इतना सतर्क होगा कि वो कॉन्डोम यूज करे? प्रशांत मानसिक रोगी हमें हर कदम पर सरप्राइज देते हैं। खूनी ने एक घर से फूलदान और एक घर से पीकॉक वाला डेकोरेशन चुराया, ये उसके लिए ट्रॉफीज हैं। आप अपने पुराने रिकॉर्ड्स चेक कीजिए, मुझे लगता है ये उसका पहला जुर्म नहीं। सर लता पाल, पति जयशंकर पाल, 5 साल पहले शादी हुई, चंदन नगर में रहते थे। खुशहाल शादीशुदा जिंदगी, पत्नी हाउसवाइफ थी, ज्यादातर दिन में घर पर ही रहती थी और पति बैंक में क्लर्क था। सर विमला यादव, पति रामकुमार यादव, रुद्रविहार के रहने वाले, 8 महीने पहले शादी हुई। विमला यादव हाउसवाइफ थी और रामकुमार यादव बाइक स्टोर में मैनेजर है। इन लोगों की शादी में भी कोई तकलीफ नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था। एक बात और गौर करने वाली, इन दोनों औरतों पर जब हमला हुआ, ये दोनों औरतें अपने अपने घर पर अकेली थी अपने पतियों के काम पर जाने के बाद। जी सर। ये चंदन नगर पूर्व गाजियाबाद और रुद्र विहार यहाँ से 15 मिनट की दूरी पर। सर लता और विमला के मर्डर में एक चीज और कॉमन है। क्या? सर दोनों के मोहल्ले में कहीं भी CCTV कैमरा नहीं, आसपास की दुकानों पर भी नहीं। नहीं सर, कहीं भी नहीं। कातिल ने पूरी रेकी की होगी, इन दोनों औरतों को अपना निशाना नहीं बनाया, वो भी एक ही दिन में, एक के बाद एक। ज्यादा समय नहीं है दोनों हमलों के बीच, हमले एक ही वक्त तो नहीं हो सकते। फिर भी कितना अंतर होगा दोनों हमलों के बीच? एक घंटा
मैक्सिमम दो। सर मुझे रामकुमार यादव का फोन आया था शाम को 5:15 बजे रुद्रा विहार से, और जयशंकर का कॉल आया था चंदन नगर से 6 बजे। सर विमला के पति रामकुमार ने बताया कि वो विमला के साथ 6 बजे फिल्म देखने जाने वाला था, इसलिए वो 5 बजे घर पर आया, उसके बाद उसने मर्डर रिपोर्ट किया। और सर लता का हस्बैंड रोज की तरह 5:45 बजे घर आया था। नेक्रोफिलिया के अपने सारे पुराने केस खंगालो, सभी कब्जियों को काम पे लगा दो। ठीक है सर। वैसे सर इन दो मर्डर्स की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल रही है। शाम तक पूरे शहर में खलबली मच जाएगी, इससे पहले कि ये आदमी किसी तीसरी औरत को अपना शिकार बनाए हमें इसे धरना होगा। अरे वो स्त्री वाले से कहो ठीक से आयन करे, और अगर उसे नहीं जम रहा है तो तुम क्या करो? अब क्या हुआ? ये स्लीव देखो, देखो स्त्री है। मायांक ठीक ही तो है। अपर्णा तुम जानती हो मुझे सिल्वर टेप पसंद नहीं है। अच्छा बाबा मैं स्त्री वाले से बोल दूंगी। ओके पुलिस के पास मुजरिम के हुलिये की कोई डिटेल नहीं। पुराने केसेस की फाइल्स खंगाली गईं ताकि इस केस पर कोई लीड मिले जिसने पूरे शहर को आतंकित कर दिया। चेन वाला हत्यारा, ये कौन है, कहां से आता है, किसी को नहीं पता। इस पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दरवाजा खोलने से पहले ध्यान रखे, पहले देख ले कौन है। किसी भी सूरत में बिना देखे दरवाजा ना खोले। एक चेन लेकर घूम रहा है ये सरफिरा। चेन किस तरह की है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जो दो महिलाओं को दरिंदा मार चुका है उन दोनों के गलों पर चेन के निशान पाए गए हैं। ये आदमी किसी भी दरवाजे पर दस्तक दे सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है। पुलिस के पास अभी तक इस वैशी साइको किलर की स्केच तक नहीं है। इस मानसिक रूप से बीमार आदमी को पकड़ने के लिए पूरी गाजियाबाद पुलिस काम कर रही है, पर पुलिस ने पब्लिक को हमारे चैनल के माध्यम से संदेशा दिया है कि हर नागरिक को चौकन्ना रहना होगा। ये हत्यारा पब्लिक में घूम रहा है, वो कोई भी हो सकता है। अगर बेल या दस्तक के बाद कोई अजनबी दिखे बाहर, हल्का सा भी शक हो तो दरवाजा बिल्कुल ना खोले। अरे सुनो तो सही, मैं क्या बोल रहा हूँ, दोपहर को अगर कोई बेल बजाए या खटखटाए दरवाजा मत खोलना। क्यों, क्या हुआ? पूरे शहर में अफरा तफरी मची है, एक सरफिरा खूनी घूम रहा है शहर में। ये शाहीन को बोल देना कहीं उतावली होके दरवाजा ना खोले, समझे ना? ना नहीं, क्या घबरा रहे हो आप? क्योंकि अखबारों में टीवी पर हर जगह आगाह किया जा रहा है। हाँ हाँ ठीक है, मैं अंदर से ताला लगा कर रखूंगी। अभी आप जाइए, आपको लेट हो रहा है, मैं टिफिन लेके आती हूँ। दबाड़े वाला, दबाड़े वाला। क्या भाभीजान है क्या, कोई माल बाल पुराना नया? ये सीरियल किलर कोई भी हो सकता है जो आपके घर के आसपास मंडरा रहा हो। ये उनमें से भी कोई हो सकता है जो आपके घर के दरवाजे पर सालों से दस्तक देते आया हो और आपको अपना निशाना बनाए बैठा हो। ये लीजिए आपका टिफिन। दरवाजा बंद कर ले जा। अरे जाना। हाँ मैं जा रही हूँ, आप आराम से जाइए। अरे वाला। लता पाल और विमला यादव दोनों विक्टिम्स मध्यम वर्ग की जवान उड़ते थे और हमले के वक्त घर पर अकेले थे। रमन राघव, साइलेंट मोहन और कुछ साल पहले स्टोनमैन, ये सारे सीरियल किलर सड़कों पे अज्ञात लोगों को निशाना बनाते। गैरव जी, ये किलर अज्ञात लोगों को निशाना नहीं बनाता। मैं वही कह रहा हूँ प्रशांत, इन दोनों औरतों की लाशें घर के अंदर दरवाजे से कुछ दूरी पे पड़ी मिली है। राइट राइट। इसका मतलब इन दोनों औरतों ने खूनी के लिए खुद दरवाजा खोला, उसे अंदर आने दिया। शायद वो आगे आगे चल रही होगी और वो पीछे पीछे, उसने चेन निकाली और उसे गले में कस दी होगी।
हम ये पकड़ के चल रहे हैं कि ये दोनों अटैक एक ही आदमी ने किए होंगे, सीरियल किलर हो। और ये सीरियल किलर एक नेक्रोफेलिक है। क्या लगता है आपको, क्या उम्र होगी इसकी, आपकी एनालिसिस क्या कहते हैं? ये किसी किस्म का मजदूर या कारीगर हो सकता है जिसे हम आसानी से घर के अंदर आने देते हैं। लेकिन इन दोनों विक्टिम्स ने उस दिन किसी टेक्नीशियन को अपने घर नहीं बुलाया था, मैं मतलब प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन वगैरह। इसे अभी के लिए एक्स बुलाते हैं। एक ही दिन में तकरीबन 2 घंटे के अंदर इसने 2 औरतों का मर्डर किया, लता और विमला, और उनकी लाशों के साथ रेप किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि इसने ये काम पहली बार नहीं किया, इसने ये काम कई बार किया है, ये तजुर्बेकार है। हम पिछले सारे नेक्रोफीलिया के केसेस स्टडी कर रहे हैं। आपका कातिल पाइप गैस या इलेक्ट्रिसिटी मीटर की रीडिंग के बहाने आया होगा। गैस की मीटर रीडिंग लेनी है। लता पाल और विमला यादव के गैस और इलेक्ट्रिक के मीटर घर के आते हैं और इन औरतों ने उसे आसानी से अंदर आने दिया। अच्छा आइए, ये थ्योरी हो सकती है। आपका ये कातिल गैस या इलेक्ट्रिसिटी टेक्नीशियन के रूप में आया होगा या इन दोनों डिपार्टमेंट में काम करता होगा? घास के बोरे में सुई है गहलोत जी। आपके पास उस आदमी का होलिया नहीं और जिन लोगों ने उसे देखा था वो दोनों औरतें मर चुकी। अगर आपको कोई सुई तक पहुंचा सकता है तो वो है इस सुई का अतीत। सर, एक डॉक्टर अंजलि पाठक है, साइकियाट्रिस्ट है, प्राइवेट प्रैक्टिस करती, आपसे अर्जेंटली बात करना चाहती है। अतीत ने अपना फन फैलाया, ये हत्यारा, ये सीरियल किलर वाकई में नेक्रोफीलिया का मरीज था जिसने पहले भी औरतों को शिकार बनाया था। पर क्या उसके हमले में कोई ऐसी औरत भी थी जो बच निकली थी? क्या वो इस दरिंदे को बेनकाब कर पाती? क्या इस हाई प्रेशर केस में पुलिस को कोई ठोस सुराग मिलता? डॉक्टर पाठक, मैं पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत चौबे बोल रहा हूँ। जी, मैंने अभी ये विमला यादव और लता पाल के मर्डर्स के बारे में पढ़ा। डॉक्टर पाठक, क्या ये किसी आपके पेशेंट का काम है? जी नहीं, लेकिन मेरी एक पेशेंट है। तो क्या आपके इस पेशेंट पे भी इस तरह का हमला हुआ है? डॉक्टर अंजलि गहलोत, आई एम श्योर कि आपके पेशेंट के केस में और इन दोनों केसेस में आपको कोई समानता दिखी होगी। नहीं, मेरी पेशेंट अभी शॉक में है और वो ज्यादा बात नहीं कर पा रही है, लेकिन मेरी पेशेंट के हस्बैंड से बात हुई थी और उसने मुझे बताया कि जब मेरी पेशेंट करीब 1 महीना पहले घर पे अकेली थी तो किसी ने उनकी डोरबेल बजाई, जब वो दरवाजा खोलने गई तो उस इंसान ने उस पर अटैक कर दिया। डॉक्टर पाठक, हम आपकी इस पेशेंट से बात करना चाहते हैं। फोन नहीं उठा रहे। पोस्टमैन। हाँ तो चिट्ठी डालो और जाओ। अरे रजिस्टर चिट्ठी है मैडम, साइन करना पड़ेगा। कहाँ से है लेटर? मुंबई से है मैडम, श्रुति कश्यप के लिए। आप जाइए, मेरे हस्बैंड पोस्ट ऑफिस से ले लेंगे। ऐसा भी क्या मैडम, आप अपना भी, मेरा भी और अपने हस्बैंड का भी टाइम खराब कर रही हैं। आप जाइए यहाँ से, मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए लेटर। श्रुति प्लीज दरवाजा खोलिए। श्रुति, मैं पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत चौबे। देखिए, हमें आपकी डॉक्टर अंजलि पाठक ने भेजा है, हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं, प्लीज दरवाजा खोलिए। श्रुति, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मिथिला लोहिया, दरवाजा खोलो श्रुति। श्रुति आप बिल्कुल भी डरिए मत, हम यहां आपकी मदद करने के लिए आए हैं, हमें आपसे बात करनी है बस। तुम चाहो तो अपने हस्बैंड को फोन करके बुला लो। आप लोगों ने पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? डॉक्टर अंजलि की सलाह के बाद हम करने वाले थे। तुमने हमलावर का चेहरा ठीक से देखा था? जी। तो बताइए
कैसा दिखता है वो? उम्र क्या होगी उसकी? सर लगभग एक महीने पहले 16 मई का दिन था। जी गैस की मीटर रीडिंग लेनी है। आइए। पहली नजर में ही मुझे कुछ अजीब लगा था उसके बारे में। उसने घर में घुसते ही तुम पर अटैक किया, तुम्हारे गले पर चेन। मेरा दम घुट रहा था, मैं समझ गई कि आदमी मुझे मार डालना चाहता है, इसलिए मैंने मरने की एक्टिंग की। फिर उसने तुम्हारे साथ? हाँ, कोशिश की। पड़ोसी उसे पकड़ नहीं पाया सर, वो भाग चुका था। श्रुति, वो चेन का सीन तुम्हें कुछ याद है? सर मैं ठीक से देख तो नहीं पाई, पर इतना पक्का है स्टील या एल्युमिनियम की थी। आंखें भी खुली है और कान भी खुले हैं। उसे क्या होता है रे? मैं सनकी हूं, चेन लेकर घूम रहा हूं, ऐसा किसी की शक्ल पे लिखा होता है का? तेरी बात मैं समझ रहा हूं, मगर पुलिस वालों को कोई ना कोई सुराग तो चाहिए। अब देख, तू तो हर जगह घूमता है, चंदन नगर से लेकर रुद्र विहार तक, थोड़ा ध्यान देगा ना तो पता चलेगा। देख कौन से मोहल्ले में कौन अजीब हरकतें कर रहा है। एक दो बंदे है ऐसे। कौन है? गाड़ी वाला, सामान रद्दी दे दो। गाड़ी वाला, हाँ तो नाम पता देना। अरे अभी तो नजर में आया है, निकालने दे उनका हिस्ट्री ज्योग्राफी। देख मुझे जो करना जल्दी कर, एक और लाश नहीं मिलनी चाहिए। तेरा टिप ना 50% बढ़ा के दूंगा पक्का। पहचान सकती हो कैसा था? सर मैं ठीक से देख तो नहीं पाई, लेकिन पतली चेन थी। कुछ इस तरह की? हो सकता है। अच्छा आप और आपके हस्बैंड पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आए थे? सर हादसे के बाद हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। श्रुति बीमार हो गई थी और डॉक्टर ने कहा कि साइकाट्रिस्ट से मिल लो। देखो श्रुति, तुम्हें अब डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, हम सब हैं तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। तुम बस हिम्मत करके उस आदमी का चेहरा याद करो। देखो श्रुति, वो आदमी पहले ही 2 औरतों को मार चुका है, हम नहीं चाहते कि किसी तीसरी को भी वो शिकार बने। जब उसने तुम पर हमला किया, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत सूझबूझ से काम लिया। अब तुम एक बार फिर से, मुझे लगता है तुम उस आदमी को जानते हो। वो कोई बुरा आदमी नहीं है, तुम उसे जानती हो, इसलिए तुम इतना घबराई हुई हो, है ना? देखो श्रुति, अगर तुम उसको जानती हो, उसे पहचानती हो, तो प्लीज बताओ। हम श्योर नहीं है, हम सिर्फ शक है हमें। हमें उसे किसी भी हालत में रोकना है, इसलिए आप दोनों जो भी जानते हैं प्लीज बताइए। सर मुझे नहीं लगता वो आदमी बुजुर्ग था, मुझे लगता है वो बुजुर्ग होने का ढोंग कर रहा था। मुझे लगता है उसके बाल असली नहीं थे। सर मुझे लगा वो मेरे लिए ही आया था। कौन आया था, उसका नाम बताओ। मैं कॉलेज में इसका सीनियर था, दिल्ली में।
ये स्लीव देखो, इस्त्री है? उसका नाम मयंक शर्मा है। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि वो मुझे स्टॉक करता था और मेरी पिक्चर्स लेता था, तो मैंने तुरंत कॉलेज के प्रिंसिपल से उसकी कंप्लेन कर दी थी। ये सब क्या है मयंक? मुझे कई दिनों से लग रहा था कि मुझे कोई स्टॉक कर रहा है, हमेशा देखता रहता है। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मयंक। सॉरी सर, दोबारा नहीं होगा। पहली बार क्यों हुआ, क्यों किया ऐसा? श्रुति, देखो देखो मैं चिल्लाऊंगी। अरे मुझे तुमको सॉरी बोलना था। नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी, जस्ट गेट लॉस्ट। श्रुति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। श्रुति, आई लव यू। मेरी बात तो सुनो तुम। अरे मैं स्टॉकर नहीं हूँ। आई लव यू श्रुति। वॉचमैन, वॉचमैन, इस बार जब मैंने कॉलेज में कंप्लेन की तो मैं अंक को कॉलेज से निकाल दिया गया। मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि वो मुझसे बदला लेगा, लौटेगा कभी। लेकिन कॉलेज से निकाले जाने के बाद वो कभी मेरे सामने नहीं आया। तुम्हें लगता है तुम्हारे घर में घुसकर जिस आदमी ने तुम पर अटैक किया वो वही है जो तुम्हें स्टॉक करता था, तुम्हारे कॉलेज का मयंक शर्मा? जी। तुम कॉलेज से 2012 में ग्रेजुएट हुई, अब तुम 28 की और वो 31-32 का। ठीक है सर, इसे सिर्फ शक है कि वो मयंक था। शक का कोई खास कारण श्रुति? वो कॉलेज में ड्रामा क्लास में था, मयंक एक्टिंग करता था। You call me a dog even before you had a cogs? But since I'm a dog now, be aware of my fangs. The pound of flesh which I demanded of you is dearly bought. It is mine now and I will have it. I will have it. कॉलेज के थिएटर ग्रुप का सेक्रेटरी था मयंक शर्मा। इस वक्त कहाँ है मयंक शर्मा श्रुति? क्या करता है वो, एनी आइडिया? सर ना मुझे तब कोई आइडिया था कि वो क्या करता था और ना मैं नफरत करती रही उससे। मयंक क्या कर रही हो, दुख रहा है? मुझे यही अच्छा लगता है। दो बाल्टी में पूरा दिन निकालेगा क्या? अरे इसे घूर रहा है, भूल किसे रहा है? ये तेरी मेंढक जैसी बड़ी बड़ी आंखें हैं ना, वो भी चार चार, तेरे पेंशन के पैसे में क्या नौकर रखूं? जल्द जल्दी काम कर, हाथ पांव चला। ए, देख क्या रहा है, चल हाथ पांव चला। मयंक शर्मा का पता लगाने में पुलिस को ज्यादा समय नहीं लगा, पुलिस तुरंत उस तक पहुंच गई। मयंक शर्मा तुम ही हो? जी, आप? गाजियाबाद पुलिस। मिश्रा जी आप उस तरफ सर्च कीजिए और एक अंदर जाओ एक इधर सर्च करो। सर ये सब क्या हो रहा है, आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं हमारे घर में? मयंक, फूलदान और मोर का पुतला कहाँ छुपा रखा है तुमने? एक मिनट, ये सर्च वारंट क्यों इशू हुआ है, आप प्लीज बताएंगे हमें? सर
ये देखिए सर, क्या ये? सर ये तो हमारे डॉगी टॉमी की चेन है। और इस वक्त कहाँ है आपका डॉगी टॉमी? अभी नहीं है, अभी 2 महीने पहले हमें उसे किसी और को दे देना पड़ा। और उसके गले की चेन रख ली, अजीब बात है ना। कोई कानून है क्या कि अगर कुत्ते को घर से हटा दिया जाए तो उसकी चेन भी घर में रखना अलाउड नहीं है? असली मुद्दे पे आएंगे सर आप? सर आप लोग हमारे घर में क्या ढूंढ रहे हैं, हुआ क्या है? श्रुति कश्यप जब तुम्हारे कॉलेज में थी, श्रुति वर्मा थी, आर डी भट्ट कॉलेज, कुछ याद आया? मयंक कौन है ये श्रुति? श्रुति कहां से आ गए? इन दोनों में से श्रुति तो कोई भी नहीं लग रही। श्रुति की हालत भी इन दोनों जैसी हो सकती थी, पर उसने सही वक्त पे दिमाग लगाया, चकमा दे दिया। कॉन्डोम का इस्तेमाल किया तूने? एक बार भी तूने ये नहीं सोचा कि चेन पे से भी तेरे अंश मिल सकते हैं? अगर एक भी अंश मिला ना तो उससे तेरा डीएनए निकाला जा सकता है। आप लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड सीरियल किलर हैं? हम कह नहीं रहे, हमें शक है। देखिए ये श्रुति जो भी है, आपको दिख नहीं रहा है कि वो मेरे पति को फंसा रही है? मयंक दिल्ली के एक बड़े बीपीओ में असिस्टेंट मैनेजर है, हमारा एक बच्चा भी है। आप लोग किस बेसिस पर किसी भी औरत के किसी भी बात पर विश्वास कर रहे हैं? सर आप मेरे ऑफिस कॉल कीजिए 5 जून को पूरे दिन में अपने डेस्क पर। अब रही बात इस बुजुर्ग आदमी की, मैच तो कर रहा है मुझसे, मतलब जब मैं कॉलेज में प्लेस किया करता था ना तो ऐसे ही लगता था मैं, इसको दाढ़ी नहीं है, मैं दाढ़ी लगाता था और ऐसे बाल। आपको पता है सर जब कभी ऐसे ओल्ड मैन के कैरेक्टर्स आते थे ना तो सबके दिमाग में सबसे पहले मेरा ही नाम आता था। देखिए सर श्रुति मेरा अतीत है, मैं याद नहीं करता हूं उसे, कब का भुला चुका हूं उसे। 7 साल पहले मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज भटकता रहा, और ये बात सबको पता थी, किसी से नहीं छिपी रही कि श्रुति ने मुझ पर एक स्टॉकर, एक विकृत इंसान का आरोप लगाया था। क्या क्या नहीं बोला था मेरे बारे में, बहुत भारी कीमत चुकाई थी सर मैंने। और यही कीमत वसूली तूने दूसरी औरतों से, दत्तापाल, विमला यादव, इनसे पहले और कितनी औरतें मारी तूने? सर एक बात बताऊं, क्राइम थ्रिलर, साइको थ्रिलर पर शोज, फिल्में देखना मैं बहुत पसंद करता हूं सर, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत देखता हूं। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन क्राइम मेरे ही दरवाजे पर दस्तक देगा, और वो भी ऐसे स्ट्रेंज। श्रुति का पता कैसे लगाया तुमने? मैंने पता नहीं लगाया सर, जिस दिन मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया उसी वक्त मैंने श्रुति को अपने दिल और दिमाग से हटा दिया, अपने यादों से भी। ये अजीब बात है, श्रुति ने अब तक नहीं मुझे निकाला अपने दिमाग से, फिर 7 साल बाद एक हादसा होता है, सीरियल किलिंग होती है शहर में, और श्रुति को तुरंत मेरा नाम याद आ जाता है। तुरंत तेरा नाम याद नहीं आया, धीरे धीरे खुली हो। आप किसी को बहुत पसंद करते हो लेकिन बोल नहीं पाते, और फिर आपको एक स्टॉकर, एक साइको करार दे दिया जाता है। आप लोग किसी सीरियल किलर को ढूंढ रहे हो या फिर कबाड़ी वाले को? किस एंगल से लगता है आपको कि मैं इन दोनों में से हूं, कबाड़ी वाला या फिर सीरियल किलर? विधिनगर 12/340 वहां मिलेगा तेरा आदमी, तेरा सनकी किलर। और ये जो तस्वीरें तूने भेजी है ना, ये बंदा वैसा दिखता ही नहीं है, गलत बना हुआ है। क्या बोल रहा है? पुलिस को मिल चुका है वो बंदा जिसका स्केच बना है, समझा? गलत आदमी को पकड़े हो तुम। मैं जो बंदा बोल रहा हूँ ना, साहब लोगों को बोलो उसको उठवा ले, मुकेश नाम है उसका, मुकेश कामदार। मेरी जान? अरे क्या कर रही है, तेरी जागीर नहीं हूँ मैं।
अरे तेरे को बोला ना आराम से। समझती क्या तू अपने आप को सीमा? समझती क्या तू? साले बुड्ढे, कितनी बार बोलना पड़ेगा तुझे? मैं तेरी बीबी सीमा नहीं हूँ। माफ कर दो, गलती। पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ गए? कहाँ गए पैसे? पता? उड़ गए पैसे? कहाँ उड़ाए? पैसे कहाँ उड़ाए? बता पैसे कहाँ हैं? नहीं ना बताएगा? तुझे मैं खाना नहीं दूँ। मर भूखा मर साले कुत्ते। सर, मैंने पूरी छानबीन कर ली है। मैं बता रहा हूँ आपको, यही आपका आप खा लो। सर, ये बंदा घर में कुछ और है, बाहर में कुछ और ही है। पन ठन के निकलता है रोज। सर, ये बंदा बीवी के सामने ना भीगी बिल्ली बन के रखता है। इसकी बीवी ना चाबुक चला के रखती है इसको। और इसी बंदे को बाहर देखिए, दूसरे इलाकों में ना एकदम फुल कलरफुल बन के घूमता है ये। और ये बंदा रहता है रुद्र विहार के पास, जहाँ पर विमला यादव का मर्डर हुआ था। हाँ सर, विधि नगर 12/340 म्युनिसिपैलिटी में ना सफाई कर्मचारी था ये मुकेश कामदार। ऐसे कैसे उठा सकते हो आप? कारण तो बताना होगा ना। तू बताता है सबको कोठों पर औरतों के साथ क्या क्या करता है? हाथ पर बांध के जोर जबरदस्ती करता है ना उनके साथ? साहब, उनको जो चाहिए होता है देता भी तो हूँ। ये लता है और विमला, क्या किया इसके साथ? क्या कह रहे हो साहब, कौन है ये दोनों? कौन है ये श्रुति? मैंने पूछा ये श्रुति कौन है? पीछा क्या करते थे तुम उसका? वो मुझसे बदला लेना चाहती है, पता है क्यों? मैं तो श्रुति का नाम भी पहली बार सुन रही हूँ, मुझे कैसे पता होगा क्यों? क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिटका, वो किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। मैं उसके घर जाऊंगा, उस पर अटैक करूंगा। वो पहचानती है मुझे, फिर भी मैं ऐसा करूंगा? तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम उसका पीछा करते थे? फिलहाल तुम मेरा पीछा छोड़ दो। वहां पे पुलिस मुझे सवाल पूछ पूछ के परेशान कर रही है, तुम्हारे डाउट्स खत्म ही नहीं हो रहे? अरे पर तुम जा कहां रहे हो? हवा खाने। ये मैंक नहीं है प्रशांत, मैं श्योर हूं ये मैंक नहीं है। एक और नाम सामने आया, मुकेश का। ये कोई 50-55 की उम्र होगी, इंट्रोगेट करने वाले हैं हम उसको। क्या लीड है इस मुकेश पे? बीवी के सामने भीगी बिल्ली और सेक्स वर्कर के सामने बंपर शॉट। इंटरेस्टिंग, इसकी प्रोफाइल तो तुम्हारे किलर से मैच करती है। वैसे मयंक भी हमारी रडार से बाहर नहीं है, नजर रखे हुए हैं इस पे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मयंक नहीं हो सकता? प्रशांत, मुझे तो ये भी लगता है ये मुकेश भी नहीं है जिसे आप पकड़ के लाए। मैंने चैन से गला घोट के मारा। हाँ, तूने? कहाँ मिलती है ऐसी चैन, हमें बता ना साहब, हमें चाहिए। कभी कभी मन करता है ना कि अपनी सीमा, मन करता है कि सीमा को मार दो। हाँ, दिमाग खराब हो गया साहब मेरा, जीना हराम कर रखा उसने। दम घुटता है मेरा, दम। तेरा घर में दम घुटता है इसीलिए तूने इन दोनों औरतों का गला घोट दिया, मार डाला इन दोनों औरतों को। ये दोनों तो अच्छी खासी औरतें दिखती हैं साहब, जवान है, सुंदर है, स्वभाव की भी अच्छी होंगी। अगर इनका पति होगा ना, ये उसको इज्जत देती होगी। भला इन औरतों को क्यों मारूंगा मैं? ये सीमा जैसी नहीं है साहब। हाँ मिथिला, कुछ मिला मुकेश के घर से? वहां सर जारी है सब, लेकिन एक नया मर्डर रिपोर्ट हुआ है। प्लीज अब ये मत बोलना कि वो एक औरत और हमारे केस से। हाँ सर, दयानगर में सेम प्रोफाइल है भाई, सीरियल किलर। विक्टिम का नाम काव्या सिंह है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है, सेक्सुअल असॉल्ट लग रहा है। अटैक के समय मुकेश हमारी कस्टडी में था सर, और मयंक पर भी हमारी एक टीम 24 घंटे नजर बनाए हुए। मुकेश या मयंक में से कोई नहीं है। गहलोत जी भी यही कह रहे थे कि इन दोनों में से कोई भी वो सीरियल किलर नहीं हो सकता। प्रशांत, श्रुति ने हमें क्लू दिया था कि वो बुजुर्ग नहीं है, बुजुर्ग का गेटअप लेके वो टारगेट पे निकलता था। अधेड़ उम्र का ये गेटअप एक चाल एक कवर है, उम्र में उससे कम होना चाहिए। तो श्रुति ने तो मयंक का नाम भी दिया था, पर अब लगभग तय है कि मयंक किलर नहीं है।
प्रशांत से मैं वही कह रहा था कि हमारा सीरियल किलर एक बहुत बड़ा शिकारी है। वो घर से अपनी ट्रॉफी कलेक्ट करता है और अपने शिकार को जिंदा नहीं छोड़ता। एक्स अपने किसी भी विक्टिम को जिंदा नहीं छोड़ता। मतलब गहलोत जी आप यह कहना चाह रहे हैं कि श्रुति ने हमसे झूठ बोला था? एक मिनट, गहलोत जी, श्रुति ने अटैक के तुरंत बाद इसलिए पुलिस कंप्लेन नहीं की क्योंकि अगर वो तुरंत बाद पुलिस कंप्लेन करती तो उसके गले पर चैन का निशान होना चाहिए। आपका मतलब है कि श्रुति का पति संदीप कश्यप? अब मेरे लिए भी इतना टाइम लेती हो दरवाजा खोलने में? अब मुझसे भी डरोगी तुम? हदे तबीज, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलती हूँ और आप इतनी सारी कड़ियां लगवा रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? इतना भी क्या डर है आपको? है डर, तुम दोनों के लिए डर है। दस फिक्र है तुम्हारी, शाहीन की, वो मूसा कबाड़ी वाला, देखा ना उसे कैसे घूरता रहता है हमारे घर की तरफ, बार बार यहां से आता जाता रहता है, मुझे वो ठीक नहीं लगता है। अब ये कहना चाह रहे हो गहलोत जी कि श्रुति अपने पति संदीप कश्यप को बचाने के लिए ड्रामा कर रही है? संदीप कश्यप ही हमारा वो एक्स है? प्रशांत, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें संदीप कश्यप की प्रोफाइल बारीकी से करनी चाहिए। एक मिनट, लगता है तुम लोगों ने सही निशाने पर तीर छोड़ा है। ये मयंक शर्मा ही तुम्हारा कातिल एक्स हो सकता है। ये मयंक शर्मा जहां रहता है वहां से तीन गली छोड़कर एक प्राजक्ता द्विवेदी का घर है। एक साल पहले 2018 में उसका मर्डर हुआ था। मॉडस ऑपरेंडी बिल्कुल वैसी ही है जैसी एक्स की है। विक्टिम प्राजक्ता द्विवेदी को चेन से गला खोदकर मारा गया था और घर में कहीं भी फोर्स्ड एंट्री के निशान नहीं मिले थे। प्राजक्ता के घर से बस एक ही चीज चोरी हुई थी, एक डांसिंग डॉल। लाश के साथ संभोग भी किया गया था। सर, प्राजक्ता का एक बॉयफ्रेंड था, हमने उसे उठाकर खूब तोड़ा, बुक भी किया, लेकिन उसके खिलाफ केस साबित नहीं हुआ तो हमें उसे छोड़ना पड़ा। बाद में जब आपके केस की फाइल आई और उसमें सस्पेक्ट मयंक शर्मा की डिटेल्स है तो रियलाइज हुआ कि आपका सस्पेक्ट मयंक शर्मा प्राजक्ता के घर से तीन गली छोड़कर ही रहता है। ठीक है माधव, थैंक यू। कैसे हो सकता है ये? जब काव्या सिंह का मर्डर हुआ तो मयंक पर हमारे आदमियों की कड़ी नजर थी, वो अपने घर पे ही था, तो फिर काव्या सिंह का कत्ल किया किसने? वो भी हूबहू उसी तरीके से। ये कोई कॉपी कैट है या फिर कोई और ही है? पूरे 8.5 किलो है। मयंक शर्मा, संदीप कश्यप, मुकेश कामदार, मूसा खान, ये हमलावर एक्स कौन था? क्या ये अकेले ऑपरेट करने वाला सीरियल किलर था जिसे अपने शिकार के घर से कोई 8 पीस कलेक्ट करने की सनक थी? क्या इस हत्यारे एक्स की नकल करने वाला कोई हत्यारा वाई भी था जिसने काव्या सिंह का कत्ल किया था? वो काव्या सिंह जो इस श्रृंखला में आखिरी विक्टिम थी। और कितनी औरतें मारी गई थी और कितनी औरतें और मारी जाने वाली थी? ये केस शुरुआत से ही मुश्किल रहा था और आगे भी ये आसान होने का नाम नहीं ले रहा था। इस हत्यारे या हत्यारों की टोली तक पहुंचने के लिए पुलिस को असाधारण तरीके अपनाने पड़े।
लेकिन जब मुजरिम सामने आया तो पुलिस भी पूरी तरह से हक्का बक्का रह गई। ये सीरियल किलर कैसे पकड़ा गया, हम वहां तक पहुंचेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।